तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में। सेक्रेटरी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही में दी रही सहायता की भी समीक्षा की गई। वीसी में और उसके पश्चात गृह मंत्रालय ने पत्र द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी हालात में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरियों का सहारा ना लें। यदि ये सड़क या रेलवे पटरियों पर पैदल यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाए। तब तक उनकी नजदीकी शेल्टर होम में रहने की और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारें रेलवे को अपना सहयोग दें ताकि रेलवे अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला पाए और प्रवासी श्रमिक सुचारू रूप से अपने घर वापस जा सके। आज सुबह गृह मंत्रालय ने रेलवे और राज्य सरकारों के नोडल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की ताकि फंसे हुए लोग जल्द से जल्द अपने घर वापस आ सके। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। भारतीय रेल 12 मई से चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फिर से आरंभ कर रही है। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन के रूप में 15 डेस्टिनेशंस के लिए चलेगी। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में एसओपी जारी की है जिसके तहत ट्रेन के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कन्फर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कन्फर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है, उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमैटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ तो यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी चल रही थी और बताया जा रहा था गाइडलाइन के बारे में। उसके अलावा जो ट्रेन शुरू होने वाली है उसको लेकर भी यहां पर बताया जा रहा